एक वर्ड है जो बहुत मिसयूज होता है, जिहाद। जिहाद का भी थॉट प्रोसेस बिल्कुल यही है कि हमारे अंदर जो बुरी सोच है उसको कॉन्कर करना, उसके लिए लड़ना, उसे जिहाद कहते हैं। बाहर सड़कों पे लोगों को मारने को जिहाद नहीं कहते हैं। दो तीन बातें और कहूंगा तेज ज्ञान फाउंडेशन के बारे में और सब लोगों के बारे में जिन्होंने मुझे यहां पर बुलाया है। इनसे मेरी मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसा मैंने कहा कि सुबह उठते ही अच्छी थॉट सोचो, इस किताब में दो चार लाइनें और ऐसी हैं जो मुझे लगता है हमको सोचने पर मजबूर करती हैं। इफ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड इफ यू थिंक ओनली गुड थॉट्स, किसी के लिए बुरा मत सोचो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो। मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूं और मैं बिलीव करता हूं कि अगर दूसरों का सोचने का मौका ना मिले अपने लिए भी सिर्फ अच्छी बात सोचो। ये मत सोचो कि दूसरा हार जाए, ये सोचो कि मैं कैसे जीतूं। इट्स ओनली अ वे दैट यू कैन टर्न अराउंड द सेम थॉट। बिकॉज एज दिस बुक सेज, विश्व में किसी भी चीज के भौतिक निर्माण के लिए के से पहले उसका विचारों में निर्माण होता है, विच इज ट्रू। आई बिलीव ऑल थिंग्स क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड आर क्रिएटेड बाय आवर ओन थॉट्स। जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं वे ही हकीकत को बदलते हैं। दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हो, दुनिया वैसी है जैसे आप हो। सो जो भी आपको कभी कभार दिल में आता है कि ये इंसान में से अच्छाई नहीं कर रहा है, ये घटिया है, ये बुरा है, ये जो सिचुएशन है अच्छी नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप अपना नजरिया बदल के रात को सोने से पहले उसी आदमी के बारे में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसी सिचुएशन को एकदम नेगेटिविटी के बिना देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। आपके अराउंड जो लोग हैं, दोस्त हैं या दुश्मन जिन्हें आप समझते हैं, वो एक्चुअली दुश्मन नहीं है। सो इट इज द वे यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज हाउ द वर्ल्ड विल लुक टू यू, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस बुक। मुझे अपनी भी मुझसे पूछा इन्होंने सवाल, मैंने पूरा जवाब नहीं दिया कि मैं जब छोटा था तो कैसा सोचता था। मैं सोचता था कि इतना बड़ा स्टार बन जाऊंगा। आई रिमेंबर मैंने टीवी में एक सीरियल किया था, आप लोग शायद बहुत सारे यहाँ पे छोटे इन्होंने देखा नहीं होगा, एक फौजी सीरियल किया था मैंने। एंड पहली बार जब मैं सड़क में जा रहा था तो मैंने देखा दो औरतें थ्री व्हीलर में हैं और सडनली उन्होंने मुझको देखा। मेरा नाम उस सीरियल में अभिमन्यु राय था फौजी में, और सडनली उन्होंने मुझे देखा और मैंने नोट किया कि उनके मुंह पे इतनी बड़ी मुस्कान आ गई है मुझे देखते ही कि हाय शाहरुख शाहरुख ऐसा करके वो चिल्लाने लगे। एंड टू मी द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ एंड द ग्रेटेस्ट डिजायर इन माई लाइफ बिकेम कि मैं लोगों को मुस्कुराने की रीजन दे सकूं, उनको मुस्कुराने का रीजन दे सकूं। तो जब मैं मुंबई आया, जैसे जवान लोगों के थॉट्स होते हैं कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत नाम कमाऊंगा, बड़ा घर करूंगा, मेरे दिमाग में दो मेन चीजें इन सब मटेरियल चीजों के पीछे थी। आज मेरे पास अल्लाह के फजल करम से सब है, लेकिन इन चीजों के पीछे, ये गाड़ी मांगने के पीछे, घर मांगने के पीछे, मुझे लगता नहीं ये बुरा है। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड इमेजिन ऑल द गुड मटेरियल थिंग्स दैट यू वॉन्ट, बट बिहाइंड देम देयर वर टू गुड थॉट्स। वन, मेरे माँ बाप की डेथ हो चुकी थी एंड मेरे दिल में एक ही अरमान था कि अगर मुझे कोई बड़ा फिल्म फेयर का जैसा अवार्ड मिले तो वो मैं अपनी माँ की याद में अर्पित कर सकूं। तो माई मेन ड्रीम वॉज दैट आई शुड विन द अवार्ड एंड बिकम सो बिग दैट माई मदर कैन सी मी फ्रॉम हेवन, मेरे दिल में ये था। और दूसरी बात ये थी कि जो भी मैं काम करूं, जितने साल भी मैं काम करूं, मैं लोगों को मुस्कुराने के रीजंस देता रहूं। सो माय थॉट्स वर ऑलवेज वेरी पॉजिटिव, माय रीजंस वर वेरी वेरी क्लियर कि आई विल डू दिस टू ब्रिंग स्माइल्स टू पीपल्स फेसेस एंड दैट्स द गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ। टुडे समटाइम्स आई डोंट नीड एनी ऑफ इट बट आई कीप वर्किंग डे एंड नाइट 20 आवर्स अ डे। मेरे बेटे का जन्मदिन था परसों और उसने कहा आप मेरे साथ नहीं हो। नहीं, मैंने कहा मैं काम पे जाऊंगा बिकॉज लोगों की मुस्कुराहट मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। सो इफ यू हैव अ गुड रीजन, if you have a good reason, all your thoughts and beliefs and everything that you want in this material world will come through. Also, I want to mention a few initiatives that the Tej Gyan Foundation has taken. Mujhe lagta hai aise initiatives, aisi baatein karne se, achhi baatein karne se, phailane se, logon ki sochne ka tarika, nazariya badalta hai. And one of the initiatives that the foundation has taken is the World Peace Initiative. जो आई थिंक हमारे यूथ को, हम सबको समझना चाहिए कि आज हमारी दुनिया में सबसे बड़ी अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो पीस की है, वो प्यार की और प्रेम की है। एंड आई ट्रूली बिलीव वॉरिंग, फाइटिंग, बींग वायलेंट हैज गॉट नो मीनिंग एट ऑल। आप ज्यादा लैंड कब्जा कर लें, आप ज्यादा पैसा कमा लें, आप किसी और का देश छीन लें, किसी और का घर छीन लें, आखिर में एक बहुत पुरानी बात है जो सब बड़े कहते हैं,
आखिर के अंदर हमको सिर्फ 6 फीट जमीन की जरूरत होती है या मुट्ठी भर ऐश रखने के लिए जगह चाहिए होती है. वी डोंट नीड एनी ऑफ दिस वॉरिंग एंड वायलेंट फैक्टर्स इन आवर लाइव्स. एंड आई ट्रूली बिलीव दैट ऑल ऑफ अस शुड वेक अप इन द मॉर्निंग एंड बिलीव इन वर्ल्ड पीस. वी शुड हैव गुड थॉट्स अबाउट वर्ल्ड पीस. एंड द सेकेंड इनिशिएटिव जो इन्होंने शुरू किया है वो है द सेंटर ऑफ ह्यूमैनिटी. क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि जो हमारे रिलीजन्स हैं उसके बारे में जो लोग गलत बातें करते हैं उसकी वजह से वर्ल्ड पीस बहुत सफर करता है. And I truly believe, like the book says, a beautiful line which I'm going to write and keep on my table, which says, the world does not need a new religion. That's what Sir Shri says. What it needs is the thread of understanding that can bind all religions together. Aaj humko, isme bahut sachai hai. Aaj humko koi naya religion nahi chahiye, ek aur humko naya discipline nahi chahiye. As a matter of fact, humko ye goodness chahiye ki har dusre ke religion ko hum samjhe. और उस रिलीजन की इज्जत करें, उससे प्यार करें. क्योंकि रिलीजन सिर्फ एक डिसिप्लिन है, एक तरीका है, एक नजरिया है अपना जीवन को जीने का. और एक परमात्मा है, सुपर पावर है, सुपर बीइंग है, अल्लाह मियां है. व्हाट एवर नेम यू गिव इट, इट्स ऑल द सेम. एंड आई थिंक दिस इनिशिएटिव ऑफ क्रिएटिंग द सेंटर फॉर ह्यूमैनिटी विच इज अ सेक्युलर सेंटर विच सेज कि संडे को वो चर्च होगा, मंडे को वो एक हिंदू टेम्पल होगा, मंगलवार को वो वर्शिप प्लेस फॉर द जैन्स होगा, वेडनेसडे को इट कुड बी अ बुद्धिस्ट एरिया, Gurdwara on Thursday, and on Friday you come and read namaz there. On Saturday, it would take the shape of a Jewish synagogue. I think it's one of the greatest initiatives being taken anywhere in the world, and we all should follow that. जितने भी जवान पीढ़ी के लोग यहाँ पर हैं मेरे जैसे, जो 20-22 साल के हैं, उन सब से मैं यही गुजारिश करूँगा कि practical purposefulness. कि जो काम आप कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं नतीजा अंजाम मिलना बहुत जरूरी है. अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसकी आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए. अगर आप फिल्मों में काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए. जो भी मटेरियल चीज आपके दिल में है उसकी आस्था उसका दिमाग में उसको हमेशा रखें. मैं कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं कहूंगा कि सारी जिंदगी सोशल वर्क में गुजार दो, अच्छे काम करो, सिर्फ प्रेयर करो. नो, आई थिंक यू शुड गो एंड गेट व्हाट यू वांट इन लाइफ, ऑल द मटेरियल थिंग्स. यू शुड हैव अ बिग हाउस फॉर योर फैमिली. You should have a good car for your elder parents. You should be able to educate your sister and your daughter to the best possible way that you can. Please do all that. But somewhere in your heart, remember that each job that you do, jo bhi karya aap karein, jo bhi kaam aap karein, usse kahin na kahin humanity ka kuch na kuch positive hona zaruri hai. कहीं ना कहीं पर उनका बढ़ावा होना जरूरी है. इफ यू कीप दैट थॉट इन माइंड, मैं भी आपको बताऊंगा. कुछ लोगों ने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना होगा. अभी अभी रिसेंटली उनका देहांत हुआ. उनको कैंसर था, पैनक्रियाटिक कैंसर था. एंड उन्होंने एप्पल कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है दुनिया के अंदर आजकल, उन्होंने अपने अंतिम समय में 6 महीने में रियलाइज किया कि जब भी मुझे मालूम पड़ा कि अब मेरी मौत करीब है, मुझको फेलियर और सक्सेस दोनों का डर या उससे खुशी खत्म हो गई. मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि जब भी मैं कोई चीज बनाऊंगा, कंप्यूटर बनाऊंगा या कोई भी गुड बनाऊंगा, उससे इंसानों का, ह्यूमैनिटी का क्या फायदा होगा. सो आई वॉन्ट टू टेल ऑल द यंगस्टर्स, प्लीज डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन टर्म्स ऑफ बींग वेल ऑफ मटीरियली, बट समवेयर कीप अ स्पिरिचुअल थॉट दैट द वर्ल्ड शुड बी अ बेटर प्लेस बिकॉज यू आर बॉर्न इन इट. अपार्ट फ्रॉम दिस, मुझसे कहा गया है कि एक और बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है कि दिन के अंदर एक वर्ल्ड पीस प्रेयर है, जहां पर तेज ज्ञान फाउंडेशन और सर श्री साहब ने रिक्वेस्ट किया है कि सुबह 9:09 पर और रात को 9:09 पर 2 मिनट अगर हम अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ अच्छे ख्याल सोचें कि हमारा जो हमारी जो दुनिया है वो एक बेहतर प्लेस बन सके. इस दुनिया में जो भी बुराई है, जो भी वायलेंस है, जो भी एंगर है, जो भी डिजीज या बीमारियां हैं, वो हमारी दुनिया से हट जाएं और हमारी दुनिया में सिर्फ प्यार, खुशहाली और हैप्पीनेस एंड जॉय रहे. बहुत सिंपल प्रेयर है, 2 मिनट अगर हम दिन में ध्यान लगाकर हर रोज ये करेंगे, बिकॉज वी बिलीव हैप्पी थॉट्स मेक अ हैप्पी वर्ल्ड, मोस्ट सर्टनली दीज प्रेयर्स विल कम. दिल से कीजिएगा क्योंकि इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द वर्ल्ड. और जाने से पहले, क्योंकि हमारा ये सब कार्यक्रम जो है हैप्पी थॉट्स के बारे में है, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये लाइन कि हम सिर्फ अच्छी बातें करें, कि विचारों का रावण जब खत्म होगा तभी जीवन जी उठेगा, तभी जीवन खिल उठेगा और तभी जीवन में निखार आएगा, हर दिन एक नई खुशी का मौका लेकर आएगा. मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जितने भी लोगों ने ये किताब नहीं ली है प्लीज लें, क्योंकि ये सेक्युलर किताब है, ये कोई रिलीजन के बारे में नहीं है या कोई एक रिलीजियस सेंटिमेंट को आगे नहीं बढ़ाती है. दिस बुक इज एक्चुअली फॉर ह्यूमैनिटी, एंड इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग आई थिंक यू शुड टेक इट
make others understand it, read from it, and try and follow the path, because it is the simplest, nicest thing that you can do. I personally would read it, and you know, I think it's a book about good thoughts, happy thoughts, and belief in goodness. So thank you very much, and Pune, God bless you. And it's really nice to be here, and I'll keep coming back whenever I come to Pune. मैं बहुत ही ज्यादा मुझे यहाँ से प्यार मिलता है और फिर से एक बार तेज ज्ञान फाउंडेशन और जितने भी मेंबर्स और डिग्निटरीज और जितने भी लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं सर श्री साहब जी आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पर पुणे में आ सका और आप लोगों का प्यार आप लोगों के साथ बांट सका सो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच ब्लेस यू ऑल इन पुणे एंड एज दे से हियर हैप्पी थॉट्स ब्लेस यू ऑल